हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का 9th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, अलग अलग प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उनका क्या नाम होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स, सेकेंड होल नंबर्स, थर्ड इंटीजियर्स, फोर रैशनल नंबर एंड फिफ्थ इनरैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स। ये हमारी नंबर लाइन है, यहां जीरो, वन, टू, थ्री और ये आगे नंबर्स ऐसे ही चलते रहते हैं टू इन्फिनिटी। तो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो एक से शुरू होते हैं और आगे चलते रहते हैं आपको इन्फिनिटी, इनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। और जो हमारे होल नंबर होंगे वो एक की जगह जीरो से शुरू होंगे और अप टू इन्फिनिटी, यानी कि अगर हम काउंटिंग एक से शुरू करेंगे वो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे और अगर हम काउंटिंग जीरो से शुरू करेंगे तो हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर भी होते हैं, क्योंकि अगर जीरो से शुरू करेंगे तो जीरो से लेकर आगे के सारे होल नंबर होंगे। तो जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर का भी पार्ट हैं। जो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं, लेकिन जो सारे होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आ जाता है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं और जो होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। और थर्ड आ जाता है इंटीजियर्स। इंटीजियर्स क्या होते हैं? जब हम नंबर लाइन पे जीरो से अपने राइट हैंड साइड वॉक करते हैं तो हमें ये पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन जब जीरो से हम लेफ्ट साइड वॉक करते हैं तो इधर जो हमको मिलते हैं -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी। तो जो कहने का मतलब, जब हम जीरो से लेफ्ट हैंड साइड वॉक करेंगे तो हमको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे और राइट साइड वॉक करेंगे तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। जो हमारे नेचुरल नंबर हैं या होल नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव साइड हैं। जो जीरो से साइड हैं इनको हम नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। इंटीजर्स, ये जो थर्ड स्टेप है इंटीजर्स, ये सारे के सारे जो नंबर लाइन पे जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं इन सबको इंटीजर्स बोलते हैं, चाहे ये पॉजिटिव साइड के हों, चाहे ये नेगेटिव साइड के हों, चाहे ये जीरो हो, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। नंबर चार पे आ जाता है हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू इज इक्वल नॉट टू जीरो। और ये पी और क्यू है ये सारे इंटीजर्स होते हैं, मतलब ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स मतलब होल नंबर, पूरी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, -3/2 इट इज आल्सो अ रैशनल नंबर, 3/2 इट इज आल्सो अ रैशनल नंबर, 0/2 इट इज आल्सो अ रैशनल नंबर, 2/0 इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो इसके नीचे का हिस्सा होता है हर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और पी
और ऊपर क्यू की फॉर्म में ये होना चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज इक्वल नॉट जीरो, सच काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। एंड फिफ्थ वन इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मींस जिनको हम पी ओवर क्यू नहीं लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, लाइक अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव। कहने का मतलब ऐसे अंडर टू का हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.414, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो इनको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको अंतर समझाता हूं कि ये क्या है। ये थोड़ा सा इसमें आप समझें, एक हमारे पास है कि हमने तीन से इसको डिवाइड करना है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.33333, ये आगे रिपीट होता रहेगा 3333 अप टू इंफिनिटी, या इसको हम लोग कह सकते हैं बार। तो क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? मैंने आपको बताया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, दो का रूट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.414 एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। अब ये भी रिपीट हुए जा रहा है, ये अप टू इंफिनिटी रिपीट हो जा रहा है, ठीक है, ये भी अप टू इंफिनिटी होगा, तो ये इरेशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसको 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो नंबर जिसके ऊपर ये बार होगा उसको हम लोग रैशनल नंबर ही बोलेंगे, जो रिपीट होगा जिसके ऊपर बार आती है वो रैशनल नंबर होता है। वो बार कितने भी, जैसे किसी का आंसर मान लो आता है 2.414 3 2 4 1 4 3 2, ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, ये 4 1 4 3 2, उसके बाद फिर 4 1 4 3 2, इट मीन्स इसको हम लिखेंगे 2.414 3 2, इसके पूरे के पूरे ऊपर बार जो रिपीट हो गए, वो एक हो, दो डिजिट के बाद हो, तीन के हो, दस के बाद हो, बीस डिजिट के बाद हो, लेकिन जब जो रिपीट हो गया तो उसके ऊपर बार आ गई, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर ही बोलेंगे। जो रिपीट, ये आप अंडर टू करके देखोगे तो ये रिपीट नहीं होगा, इसलिए इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो आइए हम लोग अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज इक्वल नॉट जीरो। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको पी ओवर क्यू के में ही लिखा जाता है, और उसका जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी इसने कह के, क्या जीरो को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्या हम इसको पी ओवर क्यू में लिख सकते हैं, जहां पर पी ओवर क्यू दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू इज इक्वल नॉट जीरो है। यस इट इज राइट, वी कैन राइट जीरो एज ए रैशनल नंबर, बिकॉज we can write 0 as 0 is equal to 0 over 1 or 0 over 2 or 0 over 3, all are zeros,
So we can write 0 as a rational number. Second question, find 6 rational number between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में 6 rational number बताइए. जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो हमने इसमें 6 rational number बताने हैं. कैसे बताएंगे? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी 2 होल नंबर्स के बीच में हम लोग कितने नंबर्स निकाल सकते हैं, कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं. द आंसर इज इंफिनिटी. आप जितने चाहो उतने नंबर निकाल सकते हो दो नंबर्स के बीच में. लेकिन देखने में हमें लगेगा यार ये 3 है, 3 के बाद 4 आ जाता है, ठीक है, तो नंबर इसमें कैसे होंगे? तो मैंने वर्ड यूज किया रैशनल नंबर्स, नॉट होल नंबर्स. ये होल नंबर्स हैं, होल नंबर तो इसके बीच में कोई भी नहीं निकलेगा, बट इसमें रैशनल नंबर्स हम आपको इन्फिनिटी निकाल सकते हैं. जैसे 3 और 4 के बीच में हमने 6 रैशनल नंबर निकालने, फाइंड करने, तो कैसे करेंगे? देन 3 इज इक्वल टू 3 ओवर 1. हम लोग लिख सकते हैं 3 को 3 बटा 1, 3 ओवर 1. एंड 4 is equal to 4 over 1. दो डिजिट्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है? हम इनका जो नीचे वाला हिस्सा है, यहां पर एक है हर बोलते हैं जिसको न्यूमरेटर, उसको सेम करना है. तो ये तो ऑलरेडी सेम है, ऑलरेडी सेम है, लेकिन हम इनके बीच में नंबर नहीं निकाल सकते, तो एक ही जगह हम इसको 10 कर लेते हैं. वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 3 ओवर 1, 3 ओवर 1 इनटू 10 ओवर 10. ये सेम है बिल्कुल. इसको ऊपर भी 10 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, वैल्यू इसकी उतनी ही रहेगी, लेकिन इसको लिखने का अंदाज चेंज हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा ये? 3 ओवर 30 ओवर 10. आप 3 लिखो, आप 3 ओवर 1 लिखो, आप 30 ओवर 10 लिखो, इसकी वैल्यू सेम है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, खाली लिखने के स्टाइल में थोड़ा सा आ गया है. और इसी तरह से 4, 4 ओवर 1 इंटू 10 ओवर 10 इज इक्वल टू 40 ओवर 10. तो हमने इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लिया है, 10 आ गया. तो अब ऊपर वाले जो है अंश बोलते हैं जिसको, 30 और 40, 30 और 40 के बीच आप जितने भी डिजिट लिखो, जैसे हो गया 31 ओवर, यही लगाना है 10, 32 ओवर 10, 33 ओवर 10, ऐसे करके हम लोग 39 तक लिखेंगे. उसके बाद ये तो 9, अभी तो इसमें तो 6 निकालनी थी, 6 हम इजीली निकालेंगे. लेकिन कभी आपको आ जाता है कि 6 की जगह आप 20 निकाल के दिखाओ, तो वही है सिंपल 3 ओवर 1. यहां हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, 10 ओवर 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसको कर लेंगे 50/50 से कर लो, 50 ओवर 50 से कर लो, तो आंसर कितना आएगा? 150 ओवर 50. इसी तरह 4 को 50 ओवर 50 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 200 ओवर 50. तो अभी भी ये इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, अभी भी उतनी है. तो इसमें आप 49 डिजिट्स निकाल सकते हो, 151 ओवर 50, 152 ओवर 50, 153 ओवर 50, इस तरह से आप जितने भी चाहो उतने. अगर इससे भी ज्यादा निकालने तो 50 की जगह 100 से मल्टीप्लाई, 100 ओवर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 100 ओवर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और वो ज्यादा आ जाएंगे. अभी इसी सम को और एक एग्जांपल की मदद से ना हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि कैसे होता है.
अभी पहले तो हमें बताया था कि 3/4 के बीच में से निकालना है, तो इनका पहले ही दोनों नीचे बराबर थे। अब मान लो ये वाली चीज बराबर ना हो, जैसे हम आगे एक कि 2/7 और 3/9 इन दोनों के बीच में से आपने 5 निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं इन दोनों के बीच में। पहले तो सिंपल था, ये 3/1 था, ये 4/1 था, तो हमने इसको 10/10 से गुणा कर, इसको भी 10/10 उतनी उसको कर दिया था। लेकिन अब इसमें क्या होगा, अब इसको 10/10 से गुणा करेंगे तो ये 20/70 आ जाएगा, ये 30/90 आ जाएगा, ये नहीं होगा ना, मतलब ये यहाँ पर 70 आ जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा, तो इनके जो हर है वो सेम नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो ये 2/7 है, इसको किससे गुणा करेंगे हम लोग के ये दोनों बराबर हो जाए, 2/7 है और 3/9 है। बिल्कुल सिंपल इजी वे क्या है, ये 2/7 है, ये 3/9 है, 3/9 कितना है, 9 है, तो इसको 9/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/9 से, क्योंकि इसके नीचे 9 है, और इसको 7/7 से, क्योंकि इसके नीचे 7 है। फर्स्ट रकम है, जो फर्स्ट नंबर है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, जो सेकंड नंबर है उसके जो नीचे वाला है उतने ओवर उतने से, 3/9 था तो फर्स्ट को 9/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3/9 था, इसके नीचे 7 है तो इसको हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 18/97 = 63, ये कितना आ जाएगा, 21/63, तो 19/63, 20/63, दो तो हमारे पास आ गए। अब लेकिन हमने निकालनी कितनी है, हमने 5 निकालनी है, तो हम इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, तो अब तो ये हो गया, ये 18/63 हो गया, ये 21/63 हो गया, अब इसको भी 10/10 से गुणा कर दो, ये तो अब नीचे वाला तो सेम हो गया ना, लेकिन हमको जो डिजिट है वो ज्यादा निकालने हैं, रैशनल नंबर ज्यादा चाहिए हमें, तो ये तो सेम है, तो इसको भी 10/10 से गुणा कर लो, इसको भी 10/10 से गुणा कर लो, फिर वही पहले जैसे हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 180/630, ये कितना आ गया, 210/630, तो ये दोनों के सेम हो गए, 630 इसके नीचे, 630 इसके नीचे, अब इसको लिख लो, 181/630, 182/630, अप टू 219/630 तक आप जिसमें भी जाओ इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम क्वेश्चन, 3/5, 4/5, इन बिटवीन वी मस्ट फाइंड एट लीस्ट 5 रैशनल नंबर्स, देन 3/5 इनटू 10/10, 4/5 इनटू 10/10 इज इक्वल टू ये 30/50, ये 40/50, देन 5 नंबर आप लिख सकते हो इजीली, 31/50, 32/50, 33/50, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, बताइए कि ये आगे जो लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत हैं, और उसका रीजन भी बताएं, उसका कारण भी बताएं कि सही क्यों है और गलत क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है, जी हाँ होता है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होता है, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो जो नेचुरल नंबर है सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स भी होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट,
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर क्या हर एक इंटीजर एक होल नंबर है? नहीं, फॉल्स है। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जीरो के लेफ्ट साइड जब चलते हैं हम माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री दैट ऑल आर कॉल्ड इंटीजर अलोंग विद जीरो टू इंफिनिटी। जैसे कि इसमें माइनस वाले नंबर भी आएंगे इंटीजर में, प्लस वाले नंबर भी आएंगे और जीरो भी आएगा। तो वो बोल रहा है कि इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं, इंटीजर सारे होल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में क्या आएगा, जीरो से लेके राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर आएंगे। जीरो और पॉजिटिव नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन जो इंटीजर है उसमें जीरो भी होता है, होल नंबर भी होते हैं और उसके साथ ही माइनस वाले हैं जो नेगेटिव नंबर है वो भी इंटीजर्स होते हैं। इसलिए सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं। थर्ड वन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी गलत है। रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि रैशनल नंबर क्या होता है, p ओवर q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल नॉट टू जीरो। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं कि इसमें जो p और q है वो इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर मतलब जैसे p माइनस चार ओवर पांच, ये इंटीजर है। जब इसके आगे माइनस लग गया तो ये होल नंबर नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स है, काम मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा एनसीईआरटी मैथ 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस हैं उनके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और हमारे चैनल एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।